हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। और कैसे हो आप लोग? एंड गाइस, इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूँ टॉप 10 जावा एडिशन मॉड्स फॉर माइनक्राफ्ट एडिशन, जिससे भाई आपका मोबाइल वर्जन एकदम ही पीसी वर्जन रहने वाला है और लिटरली बहुत ज्यादा खतरनाक मोड्स है। प्लीज आप देखो वीडियो एंड तक, आपको सब मोड्स मिल जाएंगे एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड्स है। एंड गाइस, अगर आपको एक भी मोड इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को सबके पास शेयर कर देना, जिससे भाई थोड़ी रीच बढ़ जाए जो कि भाई मेरी गायब हो चुकी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को अपने तरीके। लेट्स बिगिन गाइस। सो गाइस, हमारा फर्स्ट मोड है जावा एड ऑन वर्जन 8। लिटरली ये वाला बहुत ही ज्यादा एपिक एड ऑन है। इसके अंदर टोटल 19 फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, मतलब इसको 19 मोड्स को इंक्लूड करके बनाया गया है। एंड इसके अंदर बहुत सारे पॉपुलर मोड्स भी हैं जो कि भाई जावा एडिशन में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लाइक कनेक्टेड ग्लास, स्वीपिंग गेज एंड UI। लिटरली बहुत ही ज्यादा है, ऑप्टिफाइन फॉर्ज भी इसके अंदर, जावा कॉम्पैक्ट भी है, मतलब बहुत सारी चीजें और जो हम देखने वाले इस मोड में। तो चलो अभी फटाफट इस मोड को भी देख लेते हैं और इसके अंदर टोटल 19 फीचर्स जो मिलने वाले आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे वो देख लेना। एंड ये बाय 1.20 के कोई भी लेटेस्ट वाले वर्जन में इजीली वर्क करता है। तो चलो देखते हैं इस मोड को। सो गाइस, फर्स्ट अपना मिलता है इसके अंदर जावा UI। लिटरली माइनक्राफ्ट का पॉकेट एडिशन का UI ऐसा है, आप देख सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा मिनिमल सा है जो कि हम रेगुलरली देखते हैं। बट जैसे मैं ये मोड लगाऊंगा वैसा ये सा हो जाएगा, मतलब थोड़ा जावा एडिशन के जैसा हो जाएगा प्रो का प्रो UI, फुल टू फुल UI। जितना भी UI इसके अंदर वर्ल्ड क्रिएशन है, वर्ल्ड डाउनलोड लिंक है, वर्ल्ड जैसे डाउनलोड करते लिंक नहीं डाउनलोड करते वो सब इसके अंदर भाई देखो। वर्ल्ड प्रोसेसिंग भी पूरा का पूरा जावा एडिशन का है, लिटरली बहुत ही ज्यादा ऑसम है। और भाई वर्ल्ड देखो कितना ज्यादा एपिक लग रहा है। इसके अंदर भाई इन्वेंटरी का भी जो भी फीचर है वो भी पूरा का पूरा जावा एडिशन के जैसा लगता है, जो कि भाई बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। और इसमें खेलने में मजा आता है यार, और बहुत ज्यादा इजी भी पड़ता है। और इसके अंदर आपको ऑफ एंड स्लॉट भी मिलता है, जिसके अंदर आप कोई भी आइटम ऑफ एंड स्लॉट में पकड़ सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। लाइक जैसे कि मैं भी ये स्वॉर्ड पकड़ूंगा एंड वो लाइट जो है, वो टॉर्च जो है, उसको भी मैं ऑफ एंड स्लॉट में रख सकता हूँ। लाइक ऑफ एंड स्लॉट में रखा एंड देखो अपना जो भी है, जैसे कि आप हमें मैंडिंग लगा के इसको पूरा पूरा इन्हेंस करना अपने टूल को, तो ऑफ एंड स्लॉट में रख के आप उन इन्हेंस कर सकते हैं। एंड उसके बाद भाई टॉर्च रखूंगा तो टॉर्च भाई डायनेमिक लाइटिंग भी इसके अंदर, तो सिंपली हमको हमेशा जिधर भी अंधेरे में उजाला दिखते रहेगा। बहुत ज़्यादा एपिक है, मतलब मुझे ये वाला फीचर बहुत ज़्यादा ही एपिक लगा। और ये ऑप्टिफाइन में मिलता है जावा एडिशन में, ऑप्टिफाइन में, और इसके अंदर ऑप्टिफाइन भी लगा हुआ है। और इसके अंदर आपको स्वीपिंग गेज भी मिल जाता है, उसका पार्टिकल इफेक्ट भी मिल जाता है। लाइक देख सकते हो कितना ज़्यादा एपिक है और बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा। ये देखो मैं पांडा को मारूंगा, कितना ज़्यादा एपिक इफेक्ट आ रहा है। ये सिर्फ जावा एडिशन में आता है। एंड अगर आप देखोगे तो भाई आपको डायनेमिक लाइटिंग एंड इसके अंदर गोलम जो है, गोलम को रिपेयर करने का भी ऑप्शन आता है। लिटरली आप गोलम को जैसे हिट कर रहे हो या गोलम ज़्यादा डैमेज हो चुका है तो उसको आप इजीली रिपेयर कर सकते हो। तो इनगेट को होल्ड करके, जैसे इनगेट को होल्ड करके रखोगे उसके ऊपर, वो इजीली रिपेयर हो जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा एपिक है। और मैं एक बार और फिर करके आपको मैं दिखाता हूँ कैसा होता है। और बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा ही। देखो भाई सिर्फ आपको ऐसा तोड़ना है। भाई ये तो मर गया यार, सॉरी गोलम भाई। एंड गाइस, आपने बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर के वीडियोस में देखा होगा डायनेमिक लाइटिंग। लिटरली आप टॉर्च में हाथ में टॉर्च रखे जैसे इधर उधर केवे में जाओगे वैसे बार डायनेमिक लाइटिंग ऑन हो जाता है। मतलब वो टॉर्च आपो आप ही रोशनी देना स्टार्ट हो जाता है, जैसे रियल लाइफ में होता है। वो सेम मोड इसमें भी वाला फीचर ऐड है और लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है। जैसे आप शॉर्ट को, मतलब जैसे भी आप टॉर्च हटाओगे अपने हाथ से, वैसे एक ब्लॉक आगे जाओगे वैसे बार बंद हो जाएगा। एंड इसके अंदर आपको तीन तरीके के मिलते हैं, जावा ऑप्टिफाइन, जावा कॉम्पैक्ट एंड जावा। जिसके अंदर जावा कॉम्पैक्ट में सब आपको इनेबल फीचर मिलेगा, जावा ऑप्टिफाइन में कुछ अलग फीचर्स मिलते हैं एंड जावा में कुछ अलग। तो जावा ऑप्टिफाइन में अभी आपको दिखा रहा हूं, देखो गाइस कैसा है। इसके अंदर फुल ग्रास ब्लॉक मिलता है आपको, इसके अंदर कनेक्टेड ग्लास मिलने वाला है, पार्टिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं एंड इसके अंदर भाई लैग भी बहुत ही ज्यादा कम होता है। और इसके अंदर वो जो पुराने फीचर्स है वो भी वर्क करते हैं, मतलब इसके अंदर सिर्फ ऊपर से ऑप्टिफाइन लग जाता है और फीचर्स तो सभी वर्क करते हैं। एंड देखो गाइस कनेक्टेड ग्लास भाई दिख ही नहीं रहा, इतना ज्यादा कनेक्ट हो चुका है। लाइक थोड़ा सा सस्ता वाला है बट बहुत ज्यादा एपिक लग रहा है। देखो भाई दिखने में अच्छा ही लग रहा है, मतलब आप अगर घर वर बनाओगे एंड कनेक्टेड ग्लास लगाओगे तो बहुत ज्यादा ही ऑसम लगेगा वो घर। और देख सकते हो कितना ज्यादा एपिक लग रहा है, अभी देखो अभी एपिक दिख रहा है। एंड इसके अंदर भाई कनेक्टेड ग्लास ब्लॉक भी है और ग्लास पेन भी है, दोनों होता है कनेक्टेड एंड बेस्ट यार, मुझे अच्छा लगा ये वाला भी। एंड इसके बाद भाई रात देखो कितना ज्यादा ऑसम है, मतलब ये शेडर ही अच्छा है इसके लिए। और ये शेडर अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज यार कॉमेंट में जाकर शेडर कॉमेंट कर देना। एंड चलो अभी हम चलते अपने नेक्स्ट मोड पे, लिटरली बहुत ज्यादा टाइम होगा इस मोड को दिखा दिखा दे, तो चलो चलते अपने नेक्स्ट मोड पे। एंड गाइस, हमारा नेक्स्ट मोड है ओवरले सेटिंग।
यूआई सेटिंग, यूआई ओवरले लाइक ऐसा कुछ इसका नाम है, एंड बहुत ज़्यादा एपिक एंड बहुत ज़्यादा यूजफुल मोड है। लिटरली इसके अंदर इतने सारे फीचर्स आपको देखने मिलेंगे जो कि भाई ऑलमोस्ट यार जावा एडिशन में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, एंड वो सब फीचर्स के अंदर मिलेंगे। सिंपली आपको जाना है, इनेबल कर देना है इस सेटिंग को। ये सेटिंग जैसे इनेबल करोगे आपके पास बहुत सारे बटन आ जाएंगे। लिटरली इधर आपके पास बहुत सारे बटन, मतलब दो एक्स्ट्रा बटन आ गए, और दो एक्स्ट्रा बटन में सबसे पहला जो है वो व्यू को इनहेंस करता है, मतलब सॉरी अपना प्रीव्यू को चेंज करता है, जैसे कि मैंने अभी चेंज किया था। इससे भाई इंस्टेंट प्रीव्यू चेंज हो जाता है, आपको सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो भाई पॉकेट एडिशन में सेटिंग में जाके होता है, बट इधर इंस्टेंट हो जाता है भाई। एंड अगर भाई ये वाले एरो पे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारे सेटिंग्स दिखेंगे, लाइक शो सेटिंग। सबसे पहले आप सेटिंग को यूज करना है तो वहां से यूज कर सकते हो, एंड उसके बाद देखोगे तो भाई वहां आपको FOB चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि भाई बहुत ज्यादा ही बेस्ट है। और मुझे सबसे ज्यादा FOB एकदम कम पसंद है, 30 FOB मतलब रिकॉर्डिंग के टाइम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड उसके बाद आपको इधर भाई गेम मोड चेंज करने का इंस्टेंट ऑप्शन मिलेगा, लाइक आपको क्रिएटिव जाना है सिंपली क्लिक कर दो, सरल जाना है सिंपली क्लिक कर दो, एंड भाई एडवेंचर एंड स्पेक्टेटर मोड पे मत जाना, नहीं तो भाई गेम वापस सही नहीं होता है। तो ये मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, अगर भाई आपका कोई अच्छा वर्ल्ड होगा उसको खराब मत करना अपने हाथ से, स्पेक्टर मोड मत ऑन करना, एंड सब मोड आप यूज कर सकते हो। एंड आई होप आपको वाला मोड पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड इस वीडियो को सबके पास शेयर कर देना। तो चलो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट मोड पे। अबे ये बहन ये जहां दिख जाता ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। ऑलराइट गाइस, हमारा नेक्स्ट मोड है हार्डकोर मोड। आपको ये तो फीचर मालूम होगा जो कि भाई जावा एडिशन का फीचर है, मतलब जावा एडिशन में जैसे हम सर्वाइवल क्रिएटिव खेलते हैं वैसे उसके अंदर एक और ऑप्शन मिलता है जो कि होता है हार्डकोर मोड का। एंड लिटरली ये वाला बहुत ज्यादा हार्ड ऑप्शन है, मतलब आप अगर हार्ड माइनक्राफ्ट खेल सकते हो तो उसको मतलब वो नेक्स्ट लेवल हो गया उसके ऊपर का। एंड इसके अंदर आपको 1 लाइफ मिलने वाली है, रियल लाइफ में जो 1 लाइफ मिलती है वैसी आपको 1 लाइफ मिलेगी इस गेम में। एंड इस गेम में आपको 1 लाइफ मिलेगी, एंड उसके अंदर ही आपको जो करना है वो करो। जैसे आप मरोगे आपका पूरा प्रोग्रेस है, जितना भी वर्ल्ड है वो सब खत्म हो जाएगा, मतलब आप उसको जाके देख सकते हो, उसके अंदर आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो, आगे जाके कुछ खेल नहीं सकते हो। तो ये इसके अंदर मेन चैलेंज है जो कि भाई 1 लाइफ मिलती है और उसके अंदर आपको गेम कंप्लीट करना पड़ता है। एंड माइनक्राफ्ट पॉकेटिशन के लिए 1.20 के लिए अभी तक कोई एकदम परफेक्ट हार्डकोर मोड नहीं निकला है, ये एकदम परफेक्ट था तो इसके लिए मैं लेके आ गया। इसके अंदर आपको सिर्फ हार्डकोर का जो ये UI है वो नहीं दिखेगा, मतलब जो हार्ट है वो हार्डकोर वाले नहीं दिखेंगे, बट पूरा फीचर सेम है। लाइक मैं देखो ब्रिजिंग करके ऊपर जा रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक मैं ब्रिजिंग करके ऊपर आ चुका हूँ, अभी मैं जैसे नीचे जाऊँगा वैसे ही मैं मर जाऊँगा, मतलब सही में मैं मरने वाला हूँ। अभी देखो गाइस मैं ये गया, एंड कूद भाई जल्दी जल्दी कूद, थोड़ा सा आगे, एंड तू कूद जा एंड मैं मर जाऊंगा गाइस। ये देखो फाइनली मैं नहीं मरा, ये क्या हुआ। ओ गाइस यार हाइट मेरी ज़्यादा थी नहीं, अब मैं मर चुका हूँ देखो। एंड अभी जो रिस्पॉन बटन आ रहा है आपको लग रहा होगा अभी फेक है, बट जैसे मैं क्लिक करूँगा वैसे ही भाई मैं चले जाने वाला स्पेक्टेटर मोड पे। लिटरली आप देख सकते हो अब मैं अपने गेम को नहीं खेल सकता लाइफ टाइम, कभी भी ये वाला वर्ल्ड अभी नहीं खेल सकता हूं मैं। और अभी मैं इसमें स्टक हो चुका हूं, सिंपली मैं आके देख सकता हूं, एंजॉय कर सकता हूं, बट खेल नहीं सकता मैं इसको। गेम को बंद करने के बाद वापस ऑन करके भी देखा तो सेम ऑप्शन आ रहा है, स्पेक्टेटर मोड ही जाने का ऑप्शन आ रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है। तो आई होप आपको ये वाला भी मोड पसंद आएगा एंड यूजफुल मोड है, लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा। अगर भाई आप बहुत ज्यादा प्रो बंदे हो तो ये वाला चैलेंज कंप्लीट करके मुझे कमेंट करके बताना कि भाई आपने कंप्लीट किया। तो चलो चलते अपने नेक्स्ट मोड पे। एंड गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट मोड पे जिसका नाम है HUD+। लिटरली बहुत ज्यादा एपिक मोड है, इसके अंदर बहुत सारे यूड के बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो जाते हैं, लाइक डीबग स्क्रीन ऐड हो जाता है, F1, F3, F8 बटन ऐड हो जाता है, यू बटन ऐड हो जाता है, एंड G बटन ऐड हो जाता है। लिटरली ये सब का मतलब मेरे को नहीं मालूम। जैसे यू दबाएंगे तो भाई ये देखो इतना सा छोटा सा ही कंट्रोल पैड आ जाता है, इसका क्या यूज है ये मुझे कॉमेंट में आप बताना, मुझे नहीं मालूम है। एंड इसके अंदर बहुत सारे ये राइट फास्ट चेंजिंग बटन भी, इसके अंदर जो दो बटन दिख रहे हैं इससे बहुत ज्यादा फास्ट अपना स्लॉट चेंज होगा, बहुत ज्यादा बटन है, मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल लगा ये। लाइक आप कुछ भी खेल रहे हो फटाफट इसके अंदर क्लिक किए और यूज करना स्टार्ट हो गए। एंड जी बटन से थोड़ा इनहेंस हो जाता है व्यू, मतलब थोड़ा सा फैडी लुक आ जाता है। एंड उसके बाद F3 दबाएंगे तो डीबग स्क्रीन आ जाता है जो कि भाई बहुत ज्यादा ही बेस्ट है। एंड लिटरली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है डीबग स्क्रीन, लाइक जावा एडिशन का पूरा फील आता है। F1 दबाएंगे तो भाई पूरा का पूरा UI गायब हो जाता है, मतलब HUD गायब हो जाता है। एंड F8 अभी काम नहीं कर रहा है, उसको मालूम नहीं क्या बीमारी चढ़ गई है, बट नहीं काम कर रहा यार। एंड उसके बाद बहुत ज्यादा एपिक मोड लगा मुझे यार, और मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है, लाइक इतना ही था इस मोड में। एंड आई होप आपको ये वाला मोड भी पसंद आएगा, एंड पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड इस वीडियो को शेयर भी कर देना। एंड अभी तक मैंने कितने फीचर्स आपको जावा एडिशन के दिए हैं वो साइड में आपको दिख रहा होगा, लिटरली इतने ज्यादा फीचर्स दिए हैं। तो भाई इतना ही मेरा कमेंट का एम है, तो कमेंट भी इतना ही कर देना, मतलब कमेंट एम मैंने जितना मोड्स आपको आज के वीडियो में फीचर्स दिया है उतने कमेंट आपको करना है। बहुत ज्यादा सिंपल है, जाके कमेंट कुछ भी लिख दो यार, आपका एड्रेस, आपका कुछ भी भाई, आपका पर्सनल डिटेल, आपका बैंक अकाउंट नंबर एंड ATM पिन जो चाहिए वो सब आप लिख सकते हो
कमेंट में। एंड चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए भाई आप ये वाले मूड्स एंजॉय करो। एंड जल्दी भाई मैं अभी एकदम कंसिस्टेंट हो चुका हूँ और जल्दी जल्दी वीडियो आने वाली है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड पीस आउट गाइस, शांति फैलाओ यार।